ऑफ क्लास सेकेंड स्टूडेंट्स चैप्टर 7 वी ऑल नीड वाटर मैं आपको बुक में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और इसका बुक वर्क भी फिल करा दिया गया है। आई थिंक आपने बुक में चैप्टर पढ़ लिया होगा, दो तीन बार समझ भी लिया होगा और इसके बुक वर्क भी फिल कर ली होगी। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको इसका कॉपी वर्क करा रही हूँ। चैप्टर नंबर 7 वी ऑल नीड वाटर। बच्चों आपको डेट ये वाली मेंशन नहीं करनी है, ठीक है? जिस डेट में आपको वर्क भेजा जाएगा आपको वही डेट मेंशन करनी है। तो चलिए इसके फर्स्ट पार्ट पर आइए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वेरी शॉर्ट। बहुत शॉर्ट में हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहले विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। पृथ्वी पर मेन सोर्स वाटर का क्या है, पानी हमें कहाँ से मिलता है? रेन से, बारिश से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ यूज्ड टू कलेक्ट रेन वाटर। रेन वाटर को यूज़ करने के लिए रेन वाटर को इकट्ठा करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं बच्चों? बकेट का। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम और भी चीज़ें लिख सकते हैं, ड्रम भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, है ना, टैंक भी लिख सकते हैं हम रेन वाटर को उनमें उसमें कलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 3, वाटर इज़ यूज टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर। वाट इज़ यूज टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर, पानी को खींचने के लिए, धरती से पानी को खींचने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? वट इज़ यूज़, तो वेल का यूज़ किया जाता है, वेल से खींच सकते हैं। आपने जब चैप्टर पढ़ा तो उसमें आपको बताया भी गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 सोर्सेज ऑफ वाटर। जहाँ से हमें पानी मिलता है ऐसे 3 सोर्स बताने हैं, रिवर से, लेक से, पॉन्ड से, वेल से, है ना, इन सभी से हमें क्या मिलता है? वाटर मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन वी क्लीन वाटर। हम पानी को कैसे साफ कर सकते हैं? बाय यूजिंग ए वाटर फिल्टर। वाटर फिल्टर को यूज़ करके हम पानी को साफ कर सकते हैं। नाउ अब सेकंड पार्ट पर देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस को। लिस्ट एनी 4 यूजेस ऑफ वाटर। पानी के 4 यूज़ कौन कौन से हैं, किस किस चीज़ में हम पानी को यूज़ कर सकते हैं? चैप्टर में बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि पीने के, कपड़े धोने के, खाना बनाने के, बर्तन साफ़ करने के, है ना, सफाइयाँ करने के, पौधों में पानी देने के लिए हम वाटर को यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर कोई से भी लिख सकते हैं, ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, कुकिंग, वाटरिंग प्लांट्स, आपकी इच्छा है, आप कोई से भी लिखें, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, नेम एनी 2 वेज ऑफ क्लीनिंग वाटर एट होम। घर में हम किस किस चीज़ से पानी को साफ़ कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं हमारे पास घर में पानी को साफ़ करने के? बाय यूजिंग ए वाटर फिल्टर, वाटर फिल्टर को यूज़ करके मैंने आपको बताया था, और दूसरा बाय बॉइलिंग वाटर, पानी को उबाल कर हम अपने वाटर को साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड वी ड्रिंक क्लीन वाटर। हम साफ पानी क्यों पीते हैं? बिकॉज डर्टी वाटर मिक्स अस सिक, क्योंकि गंदा जो पानी होता है वो हमें बीमार बना देता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर का, हाउ कैन वी सेव वाटर। हम पानी को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं? बाय कलेक्टिंग रेन वाटर इन बकेट, ड्रम्स एंड प्लास्टिक टैंक्स। बारिश के पानी को बाल्टी में, ड्रम में और प्लास्टिक टैंक्स में इकट्ठा करके हम वाटर को सेव कर सकते हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर्स बताए। आपको बच्चों चैप्टर 6 के बुक वर्क लर्न करनी है, कॉपी वर्क भी लर्न करना है, चैप्टर को बार बार पढ़ के देखना है। ऐसे ही जब चैप्टर 7 आपको कराया जाएगा तो आपको चैप्टर 7 भी साथ साथ ही करते हुए चलना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।